जय माता दी। मित्रों, साधकों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक फिर से एक नई वीडियो, एक नई साधना लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो पहले साधना का नाम जानें कि ये है क्या। इस नाम है साधना का बैहा नारसिंह साधना। तो बैहा की मीनिंग क्या है? बैहा मतलब वो है कि जो पागल हो। जब हिरण्यकश्यप का वध कर भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, तो जब वो अपने कंट्रोल में नहीं थे, बैहा मतलब पागल, वो पागल हो गए थे। यहाँ वहाँ हर चीज़ को मारने पीटने लगे थे, तोड़ने और विनाशकालीन काल में चले गए थे, विनाश करने लगे थे। तो जब उन्होंने विनाश करना चालू कर दिया, अपने कंट्रोल में नहीं, तो एक पागलों के जैसे बर्ताव कर रहे थे। तो वो स्वरूप बाबा का बैहा नारसिंह कहलाता है। तो बैहा नारसिंह साधना के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ी चीज़, किसी का विनाश, उच्चाटन, मारण प्रयोग, नरसिंह मोहिनी, षट कर्मों में काम आते हैं। और ये परम तत्व विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं। आप भी पता है, कृष्ण तो कृष्ण विष्णु में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इनके काम बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बैहा नारसिंह साधना उच्च कोटि की और उग्र साधना है। इसे आँख के पेड़ में लाके घर उसमें सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध होने के तत्पश्चात ये आपको स्वप्न रूप में दर्शन देंगे। और वचन साथ में लेना, तामसिक और सात्विक की साधना दोनों होगी। ये साधना कम से कम आपकी 21 दिन की है। 21 दिन में आपको इनके दर्शन होंगे। जब तक आपको धरती पर सोना है, ब्रह्मचार का पालन करना होगा। उसके अलावा जितने भी आप खाना खाएंगे, जितना भी भोजन ग्रहण करेंगे, तो आपको सात्विक ग्रहण करना है। भोग तामसिक लगेगा इन्हें, लेकिन आखिरी दिन, लेकिन सात्विक ग्रहण करना है भोजन। तामसिक भोजन ऐसा लगेगा कि जैसे नारियल है जो तामसिक, नींबू है तामसिक, है ना, भूरा कुमड़ा होता है जो, वो है तामसिक। उस सब चीज़ में आपको इनको तामसिक भोग देना है। तामसिक भोग देने के पश्चात आपका ये काम करने लगेंगे। काम मतलब कृपा दृष्टि, नौकरी, व्यापार, धन बाधा, हर चीज़ में इनके इतने सारे प्रयोग हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको ज्ञान देना चालू करेंगे। जैसे आपने ध्यान मार्ग में उस शक्ति से किसी के भी बारे में पूछा कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, और ये काम कैसा होगा, वो काम कैसा होगा, मेरा सफल होगा या नहीं होगा, ये सब काम, तो एक उनकी विशेष कृपा आप पर रहेगी। तो बाबा बैहा नारसिंह के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन्हें किसी की भी साधना इनको चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। और ये साधना 26 तारीख से के बाद से प्रारंभ होगी, क्योंकि 26 तारीख के बाद से सर्व कार्य साधन का योग आ रहा है, और सर्व कार्य साधन योग बहुत अच्छा है, आप लोग सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लाभकारी है। जिस किसी को भी ये साधना चाहिए हो तो बता सकते हैं। साधना की सामग्रियाँ भी आपको कम लेकर बैठनी है, ज़्यादा सामग्रियाँ नहीं लगती इस साधना में। और साधना 21 दिन की तो मैंने बता चुका, 21 दिन की है, और इसके विपरीत परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ, उसको सिद्ध कर रहा हूँ, तो उसकी अगर पूजा में गलती होगी तो रिटर्न वो मार देगा। देवी देवता कभी भी रिटर्न आपको नहीं कुछ देते, क्योंकि रिटर्न हार्मफुल पहुँचाने के लिए वो नहीं है, हानि पहुँचाने के लिए हमें नहीं है, वो केवल और केवल आपके ऊपर कृपा दृष्टि, भलाई, हर चीज़ आपके ये चीज़ करने के लिए है। तो अगर जिन्हें भी ये साधना करनी हो, तो संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि उस संस्थान के द्वारा मुझसे जुड़ा जा सके और मेरा नंबर मिल सके आप लोगों को। और जैसा भी हो, तो आपको अगर ये साधना करनी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बैहा नारसिंह साधना मेरे ख्याल से सारे भक्तों को करनी चाहिए। जय माता दी।